कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, लॉकडाउन के हालात की समीक्षा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर मौजूद, लॉकडाउन खत्म करने या छूट देने पर विचार। 4421 पहुंची देश में कोरोना मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में सामने आए 833 नए मरीज। देश में अब तक 114 लोगों की जान ले चुका है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले 34% लोगों की उम्र 42 से 60 साल के बीच, 40 साल से कम उम्र के 47% मामले। कोरोना के खिलाफ बॉलीवुड ने छेड़ी सुरों की जंग, पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो। महाराष्ट्र में 748 कोरोना पीड़ित, इनमें 18 का है मरकज कनेक्शन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में वायरस से 7 लोगों की मौत, अब तक 45 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना सरकार की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मियों को सौगात, 7500 रुपए के इंसेंटिव का ऐलान। तेलंगाना सरकार का ऐलान, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को मिलेगा 10% इंसेंटिव। मुंबई में कोरोना की दहशत, 24 घंटे में 4 लोगों ने तोड़ा दम, 34 मरीजों की मौत, 526 लोग कोरोना से संक्रमित। मुंबई में कोरोना ने डॉक्टर्स को भी चपेट में लिया, 28 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर चाय दुकानदार पाया गया कोरोना पॉजिटिव, पूरा इलाका सील। दिल्ली में कोरोना के 20 नए मरीजों की पुष्टि, 523 पर पहुंचा कोरोना संक्रमण का मामला। बढ़ाई दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या, 330 मरकज से जुड़े मामले। दिल्ली में डॉक्टर्स पर भी कोरोना का कहर, 4 डॉक्टर समेत 15 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित। डॉक्टर और उनके परिवार को की नहीं मिली कोई ट्रैवल हिस्ट्री, विदेश से लौटने वालों से भी नहीं था संपर्क। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जारी किया 17000 करोड़ का आपदा फंड, दिल्ली की डिप्टी सीएम ने लगाया दिल्ली की अनदेखी का आरोप। डिप्टी सीएम से अलग दिल्ली के सीएम का बयान, केजरीवाल बोले केंद्र से मिल रही है मदद, मोदी सरकार का शुक्रिया किया। देश में कई जगह पर स्टेज 2 से 3 के बीच में कोरोना का संक्रमण, एम्स के डायरेक्टर ने जताई आशंका। यूपी के शामली में 2 मस्जिद में छिपे 6 जमातियों के बीमार होने की खबर, फौरन पहुंचा मेडिकल स्टाफ, सभी क्वारंटीन। हाथरस पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों और बिना फेस कवर किए घूमने वालों पर बरती सख्ती, बीच सड़क बनाया मुर्गा। मेरठ कैंट इलाके में बनाया गया सैनिटाइजेशन कैबिन, पूरे जिस्म को सैनिटाइज करने का बंदोबस्त। यूपी के गोरखपुर में बनाई गई प्रदेश की पहली सैनिटाइजिंग टनल, टनल से गुजरने वाले हर शख्स को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना से जंग के बीच कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं सौहार्द, बाड़मेर में एक शख्स ने समुदाय विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया में जारी किया ऑडियो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।